फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक एंड सर्व। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लोग बनाएंगे सूजी के लड्डू। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इसमें हम लोगों को ढेर सारी मिठाइयों की ज़रूरत होती है, और बाज़ार में इन दिनों में जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें बहुत सारी अडल्ट्रेशन होती है और मिलावट होती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती। घर की बनी हुई मिठाइयाँ हमारे लिए हेल्दी भी रहती हैं और हम लोगों को ये भी श्योर होता है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो हमने सेफ ही यूज़ किए हैं। तो ये मैंने आज गणपति का विसर्जन है, अनंत चतुर्दशी है, तो मैंने उसके लिए लड्डू बनाए थे सूजी के। तो यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलो देखते हैं कि मैंने ये लड्डू कैसे बनाए हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी, और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून देसी घी लिया, और इसमें मैं डाल दूँगा 1 कटोरी सूजी। और इसको हमने स्लो हीट पर भूनना है। सूजी को हम लोग भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देना हमने। ये देखिए सूजी हमारी हल्की सी फूल चुकी है। अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको ऐसे ही स्लो हीट पर भूनेंगे। ये सूजी हमारी भून चुकी है और हमने इसको बहुत ही स्लो हीट पर भुनना है, और कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ। और अभी इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें हमारा नारियल का बुरादा, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया। इसको भी हम लोग 1 मिनट के लिए ऐसे ही सूजी के साथ भून लेंगे। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करनी है। और आधा कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दूध, ताकि हमारी सूजी है जो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बड़े टेबल स्पून जो होते हैं वो पाउडर्ड मिल्क ऐड किया है। और साथ ही हम लोग इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पाउडर्ड शुगर ली है, ये मैंने उतनी ही क्वांटिटी में ली है जितनी मैंने शुगर सूजी ली थी। और इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे हम लोग स्लो। और इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मन मर्जी के ले सकते हो, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर सौगी, काजू और मगज लिए हैं। बादाम मैंने ऐड नहीं किया, आप बादाम भी ऐड कर सकते हो, और भी जो कोई आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हो। ये शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, और ये थोड़ा सा हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा गीला सा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इनको 10 मिनट की रेस्ट पे रखेंगे तो सारा फिर से सेट हो जाएगा। ये देखिए ये हलवे की तरह बन चुका है, और कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया हमारे सारे मिक्सचर ने। और इस स्टेज पे मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। ये देखिए मटेरियल हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है, और ये देखिए इजीली बंद भी रहा है। और अभी हम लोग इसके लड्डू बना लेंगे। ऐसे ऐसे दबा दबा कर मैं इनको अच्छे से गोल कर लूंगी, और उसके बाद ऐसे बिल्कुल रोल करके इनको गोल शेप दे लूंगी।
ये देखिए ऐसे ही मैं बाकी सारे लड्डू बना लूंगी सेम प्रोसेस के साथ। ये देखिए बाकी सारे लड्डू भी मैं बना लूँगी। ये सूजी के लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।